हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ये सेट ई का अभ्यास 7 है, ये प्रैक्टिस सेट का 46वां वीडियो है। एंड दोस्तों, इस प्रकार के 16 से 17 सेट हैं, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं, कुल 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन हैं, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस एमवीएस हो, सभी से रिलेटेड यदि फिजिकल एजुकेशन के कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी से रिलेटेड टॉपिक वाइज एम थ्योरी सेशन एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड वन लाइनर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा। और डेली बेसिस में जो आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये अभी आपको वहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में चाहिए, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बेहतरीन तैयारी करना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सभी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी जल्द होने वाला है, एंड यूपी एलटी ग्रेड का भी एग्जाम में वैकेंसी आने वाला है। एंड जैसे कि आपने एमपी टेट का एग्जाम दे लिया है, अब आप उसके मेन एग्जाम सुपर टेट का तैयारी, एमपी सुपर टेट का तैयारी कर रहे होंगे, इन सभी का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर आपको सभी चीज़ें बेस्ट रूप से मिलेंगी, जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, और डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका अभ्यास बना रहेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी लोग, 50 क्वेश्चंस का सीरीज है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, तो अपना स्कोर चेक कीजिए। एंड दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी चैनल के नाम से ही है, स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि योग प्रचार समिति निम्न शहर में स्थित है। तो योग प्रचार समिति जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, पतंजलि कृत योग सूत्र में निम्न अध्याय अथवा पाद सम्मिलित है। तो दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है, और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 4 अध्याय यानी कि पाद है, जिसमें से सीरियल वाइज है आपका समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो आपके ये सभी राइट हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इन चारों के बारे में। सबसे पहला अध्याय है इनका पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद। समाधि पाद में योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यानी योग की परिभाषा, योग का स्वरूप, चित्त विरोध के विभिन्न उपाय और योग के प्रकार की व्याख्या किया गया है समाधि पाद में, प्रथम पद अध्याय में। और दूसरा अध्याय है साधना पाद, जिसके अंतर्गत चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक और बाह्य साधनों का वर्णन किया गया है। आंतरिक यानी बाह्य साधन किसमें आते हैं? अष्टांग योग में, यानी अष्टांग योग के 8 साधनों, जिसमें से आंतरिक और बाह्य साधन आते हैं, जिसमें 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं, जिसमें से शुरू के 5 जो है वह साधन है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये वह साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि आंतरिक साधन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, तीसरा पद है अध्याय है विभूति पाद, जिसके अंतर्गत आंतरिक साधन जो धारणा, ध्यान, समाधि है, उसके साथ साथ योगाभ्यास की सिद्धि का वर्णन है। एंड कैवल्य पाद में चौथा अध्याय में मुक्ति यानी मोक्ष यानी कैवल्य के स्वरूप का पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है, और समाधि के प्रकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, पतंजलि कृत योग के किस पाद में योग की परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके चित्त के विरोध, विभिन्न उपाय और योग के विभिन्न प्रकार की व्याख्या की गई है। तो अभी मैं चारों की व्याख्या की हूं, तो यह बात यह इस चीज की व्याख्या किया गया है किसमें? समाधि पाद में, ठीक है। प्रथम पाद है समाधि पाद, जिसके अंतर्गत योग की परिभाषा, उसके स्वरूप, चित्त वृत्तियों के विरोध के विभिन्न उपाय, योग के विभिन्न प्रकार की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक एंड वह साधनों का वर्णन पतंजलि कृत योग के निम्न पाद में किया गया है। आंतरिक वह साधन के अंतर्गत आपका अष्टांग योग आता है। तो अष्टांग योग, चित्त की स्थिरता के लिए अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किसमें किया है?
तो इनका पहला पाद था समाधि पाद, दूसरा पाद है साधना पाद। तो दूसरी पाद यानी कि साधना पाद में इन्होंने अष्टांग योग के बारे में बात किया है। नेक्स्ट है आंतरिक साधनों के साथ, आंतरिक साधन कौन आते हैं, धारणा ध्यान समाधि। आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास की सिद्धियों का वर्णन निम्न पाद में किया गया है। इनके तीसरे पाद है विभूति पाद। विभूति पाद में आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास के सिद्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मुक्ति अथवा मोक्ष के स्वरूप का पूर्ण रूपेण विवेचन निम्न पाद में किया गया है। तो दोस्तों मुक्ति और यानी कि कैवल्य यानी मोक्ष के स्वरूप का पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है चौथे पाद कैवल्य पाद में। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में चार अध्याय यानी पाद है, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, चारों के बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट है चतुर्योग में निम्न योग सम्मिलित हैं। तो इसमें कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग ये सभी सम्मिलित हैं, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न योग मन की चंचलता को समाप्त करके इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है। तो यह कौन सा योग सिखाता है, तो यह सिखाता है राजयोग। नेक्स्ट है भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय किसने बनाया। तो इसको ड्रिल को अनिवार्य विषय भारत में बनाया अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है YMCA कॉलेज यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहां किया गया। तो यह भारत में 1920 चेन्नई में HC वेक के द्वारा किया गया। दोस्तों जैसा कि YMCA का सबसे पहले स्थापना किया गया था 6 जून 1844 में लंदन में जॉर्ज विलियम के द्वारा, और अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया है 1883 में स्प्रिंगफील्ड में प्रशिक्षण के रूप में। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने किया है, तो इसकी स्थापना किया है HC बक ने, और HC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई, तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में हुआ। ए दो वैद्य भाइयों अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था भारत में देशीय शारीरिक शिक्षा का विकास करने के लिए। नेक्स्ट है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किया था अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अंबा और पंत ने। नेक्स्ट है कि हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा की राजकीय कॉलेज कब खोला गया, तो हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा की जो राजकीय कॉलेज है वह खोला गया 1931 में। कब खोला गया, 1931 में। नेक्स्ट है 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश की सहयोग से खोला गया, तो यह अमेरिका के सहयोग से खोला गया। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदीवली मुंबई की स्थापना कब हुआ, कब खोला गया, तो यह खोला गया 1938 में। कब खोला गया, 1938 में। नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने किया है, तो उसका स्थापना 1940 में श्री हेग ने किया है। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया था, तो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को 1953 में लागू किया गया था। यह एक टेनिस खिलाड़ी थी और भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। नेक्स्ट है इन्वर्टेड यू थ्योरी किसके संबंध को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है डाइट परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर का उत्सर्जन अंग है, तो दोस्तों मुख्य उत्सर्जन अंग गुर्दा और फेफड़े हैं यानी कि किडनी एंड फेफड़ा। नेक्स्ट नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन पद्धति यानी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है,
तो इसमें से कौन नहीं है आपको ये देखना है। तो इसमें व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं है। कौन का है, कौन कौन है? तो क्लासिकीय सिद्धांत है, नव क्लासिकीय सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए में कौन सा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल नहीं है? तो यहाँ पे भी अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं है। उसके अलावा आपका विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रत्यायोजन है, डिलीजेशन एंड संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत, बट अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं है। नेक्स्ट है, पारंपरिक रूप में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है द्विध्रुवीय लोकतांत्रिक सत्तावादी परिधि में विभाजित किया गया है। ऐसा प्रबंधन जिसमें मैनेजर स्वयं नेतृत्व न लेकर समय के साथ अपने आप समस्या को हल पाते हैं, इसे कहते हैं। तो इसे कहा जाता है लेसेज फेयर प्रबंधन। इसमें मैनेजर स्वयं नेतृत्व न लेकर समय के साथ अपने आप समस्या को हल पाते हैं, इसे कहते हैं लेसेज फेयर प्रबंधन। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट के लिए एक विषय पूरा किया जाता है। यदि उसके कुल पल्स काउंट 250 थे तो उसकी योग्यता इंडेक्स कितना होगा? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को लुसिल ब्रुहा ने 1943 में बनाया और इसमें पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता बेंच होता है एंड महिला के लिए 17 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर का एक बेंच होता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले वार्म अप करके उसके बाद 5 मिनट तक सीट अप सीट डाउन करते रहेंगे उस पे, ठीक है, ऊपर नीचे। उसके बाद 5 मिनट तक अभ्यास करने के पश्चात 1 मिनट तक रेस्ट लेंगे, रिकवरी। 1 मिनट की रिकवरी के पश्चात 1 से 1:30 तक यानी 30 सेकेंड तक पल्स काउंट करेंगे, फिर 30 सेकेंड तक रेस्ट करेंगे, 30 सेकेंड तक पल्स काउंट करेंगे, 30 सेकेंड तक रेस्ट करेंगे। इस तरह 3-4 स्टेप हम फॉलो करेंगे, उसके बाद 30 सेकेंड तक हम पल्स काउंट करते जाएंगे 30 सेकेंड के रेस्ट के बाद। ये होता है, या अब इसके फिजिकल फिटनेस इंडेक्स निकालने का सूत्र क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 यानी 5 मिनट आपका एक्सरसाइज किया गया तो 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 5 मिनट में 30,000 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें 100 का आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी गुणे 2, ठीक है। तो यानी कि जितना समय एक्सरसाइज किया गया उसका सेकेंड में निकालेंगे और 100 में गुणा कर देंगे, उसके अपॉन में बटे में जितना पल्स काउंट हुआ है उसके गुणे 2 कर देंगे। जैसा कि 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 5 मिनट में 30,000 सेकेंड होंगे, कितने होंगे 30,000, ठीक है। 30,000 में हम कितना का गुणा करेंगे, 250, पल्स काउंट कितना है 250, तो अपान में सूत्र क्या होता है सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी गुणे 2, जितना पल्स काउंट हुआ है उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 250 गुणा कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो जब 500 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपका क आपका राइट हो जाएगा, क आपका यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैधता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आभासी वैधता, समवर्ती वैधता और निर्मित वैधता। इनमें से तार्किक वैधता स्थापन किसमें शामिल है? तो इसमें तार्किक वैधता स्थापन किसमें शामिल है? तो यह तार्किक वैधता स्थापन जो है आभासी वैधता में शामिल है, आभासी वैधता में शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, कि निम्न में से ट्रैक को चिन्हित करने के संबंध में क्या गलत है? इसमें क्या गलत है ये छांटना है आपको। ऑप्शन 1 दिया है, लाइन की मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर होती है, जो उसकी थिकनेस होती है वह 5 सेंटीमीटर होती है लाइन की मोटाई, तो ये राइट है आपका।
एंड ख है गली की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ लेन, जो है लेन की जो चौड़ाई होती है 1.22 होता है। एंड लंबी कूद का स्थल यानी पीट होम स्टेट के नजदीक होता है। एंड 400 मीटर का स्ट्रेगर सफेद रंग से चिन्हित किया जाता है, जो उसका स्टार्ट लाइन होता है सफेद रंग से। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ख दिया है, यानी लेन की जो चौड़ाई होती है वह 1.21 से 1.25 दिया है। जैसा कि आप जानते हैं इसका करेक्ट है 1.22 होता है लेन की चौड़ाई, बट इसमें तो हमको ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ख गलत दिया है। जैसा कि आपका एग्जैक्ट चौड़ाई होती है लेन की, प्रत्येक लेन की 1.22 मीटर। तो इसको आप एक प्रकार से अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा जो भी इसमें गलती होगी। नेक्स्ट, किसी घटना, किसी जटिल घटना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस अनुसंधान में उपलब्ध जानकारी का गहन अध्ययन और मूल्यांकन शामिल होता है उसे कहते हैं। तो किसी घटना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उसके अनुसंधान में उपलब्ध जानकारी का गहन अध्ययन और मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें कौन शामिल है? तो इसमें शामिल होगा विश्लेषणात्मक अनुसंधान, उसमें विश्लेषण किया जाता है, यानी एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, मांग यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक और अनुक्रिया सामर्थ्य में काफी असंतुलन होना, जहां पर मांग की पूर्ति में असफलता के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है दबाव, क्या है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर से इस प्रकार की दशा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता जो है प्रतिशत मापन को उल्लेखित करते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता प्रतिशत मापन को उल्लेखित करते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा? निरपेक्ष तीव्रता। क्या होगा? निरपेक्ष तीव्रता, एब्सोल्यूट इंटेंसिटी। किसी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने के लिए अधिकतम क्षमता प्रतिशत मापन को उल्लेखित करते हैं, तो निरपेक्ष तीव्रता, एब्सोल्यूट इंटेंसिटी। तीव्रता दोस्तों, तीव्रता और वॉल्यूम में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि अगर जितना ही कम समय की क्रिया होगी, यानी वॉल्यूम, या जितना वॉल्यूम का मतलब होता है कार्य कितना समय तक किया गया, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी स्पीड से किया गया। तो वॉल्यूम जितना कम होगा, यानी कार्य का समय जितना कम होगा, इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना ही ज्यादा होगा, और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, यानी कार्य का समय जितना ही ज्यादा होगा, इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो होता है स्पीड उतना ही कम होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, भूमि घर्षण यानी फ्रिक्शन निर्भर करता है। तो दोस्तों फ्रिक्शन जो है खुरदरी सतह पर अच्छा होता है और चिकने सतह पर घर्षण नहीं होता है। जैसे कि केले के छिलके पर आप एकाएक पड़ जाता है पैर, तो तुरंत फिसल के गिर जाते हैं। क्योंकि क्यों गिरते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी के कारण। हम चल पाते हैं तो घर्षण के कारण ही चलते हैं। जैसे कि दो सतह, घर्षण के लिए दो सतह होना जरूरी है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे पैर की तलवे की सतह और भूमि की सतह, दो सतह काम कर रहे हैं। तो अगर भूमि की सतह खुरदुरा होगा, सही होगा, तो हम उस पर चल सकते हैं। अगर चिकना होगा तो उस पर हम नहीं चल सकते हैं, ठीक है, फिसल के गिर जाएंगे। तो घर्षण का होना बहुत आवश्यक है। तो भूमि घर्षण यानी फ्रिक्शन निर्भर करता है। तो फ्रिक्शन निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है फ्रिक्शन? यहां पे ग राइट हो जाएगा, धरातल के स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोशन के आकस्मिक विश्लेषण को कहते हैं, मोशन यानी गति के आकस्मिक विश्लेषण को कहते हैं काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। नेक्स्ट है, मात्रा यानी वॉल्यूम और भार यानी वेट किसी द्रव्य यानी फ्लूइड के दो आयाम यानी डिमिनेशंस होते हैं। इनमें से राइट क्या है? राइट आपका ख हो जाएगा, कि मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप रुई ले लिए, ठीक है, रुई आप एक
बर्तन में ले लीजिए एक बर्तन में लोहा, दोनों में मात्रा सेम है लेकिन भार क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार किसी द्रव की भी बात करें तो मात्रा निश्चित रहती है लेकिन भार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है दूध मक्खन और घी से मिलता है, तो दूध मक्खन और घी से मिलता है कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए एंड डी मिलता है। नेक्स्ट है कैलोरी क्या मापने की इकाई है, दोस्तों कैलोरी जो है ऊर्जा मापने की इकाई है, तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, गर्मी, गर्मी मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में इंसुलिन की कमी के क्या कारण होते हैं, तो इंसुलिन किसकी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है, शुगर जिसे कहते हैं। जैसा कि जानते हैं इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित कर पाता है और ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय यानी CHON कार्बोहाइड्रेट रिस्पायरेटरी एक्सचेंज रेटियो अनुपात होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय जो है उसका अनुपात होता है 1, कितना होता है 1। नेक्स्ट है अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई क्या है, तो दोस्तों अस्थि मांसपेशी की यानी कंकाल पेशियों की, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर यानी संकुचनशील इकाई होता है सार्कोमियर। जैसे कि एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर खिसकने के कारण ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये है आपका मायोसिन, क्या है मायोसिन, ये मायोसिन है, इसमें आपका आ जाएगा एक्टिन, क्या आ जाएगा एक्टिन, ये बीच बीच में आपका है एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे बीच में एम लाइन है, यहाँ पे जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन के बीच जो स्थान होता है इसी के बीच के स्थान को हम कहते हैं सार्कोमियर। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो एक्टिन होते हैं इस यम लाइन पर मिल जाते हैं, ठीक है। और मायोसिन अपने स्थान से नहीं हिलता, मायोसिन में क्या होता है ऊपर एक हेड होता है, हेड, इसी में जो हेड होता है और जो एक्टिन में गैप होता है, तो हेड जो है गति करते रहते हैं ऊपर, ठीक है। तो जब एक्टिन के गैप में मायोसिन के हेड जो है फंस जाते हैं, फंसते हुए उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, इस प्रकार से मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्टिन जो है आपस में मिल जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और जो बीच वाला एम लाइन होता है वो खत्म हो जाता है, यानी दोनों जेड लाइन पास पास आ जाते हैं, इसी को कहते हैं सार्कोमियर यानी कि संकुचनशील इकाई, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच का अभाव होता है उसको कहते हैं सार्कोमियर। नेक्स्ट है व्यावसायिक तैयारी के लिए नीचे दी गई कौन सी बात मुख्य रूप से आवश्यक नहीं है, तो यहां पे चारों चीजें आवश्यक है, बट यहां पे आपको देखना है मुख्य रूप से आवश्यक कौन चीज नहीं है। तो यहां पे शैक्षणिक अभ्यास किसी भी व्यावसायिक तैयारी के लिए आपको आवश्यक है, उसकी जानकारी होना आवश्यक है, व्यावसायिक अनुभव भी होना आवश्यक है, एंड व्यवसाय की प्रकृति और अपेक्षाएं भी जानना आवश्यक है। तो इन तीनों चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है, यहाँ पे नेतृत्व इनसे कम आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए संप्रेषण होना अति आवश्यक है, अनुदेश होना भी, मानवीय संबंध होना, ये तीनों चीजें अति आवश्यक है, समाज सेवा उतना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल इनर्वेशन का अर्थ है, तो दोस्तों रेसिप्रोकल इनर्वेशन का अर्थ है जब एक तीन मांसपेशी का संकुचन यानी कंट्रक्शन और एंटागोनिस्ट मांसपेशी का शिथिलन यानी कि एक्सटेंशन होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ठीक है। एगोनिस्ट मांसपेशी वो होता है जो संकुचन में मांसपेशी की गति में मुख्य भूमिका अदा करती है, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। जैसे हम अपने एल्बो को
फ्लेक्शन कर रहे हैं, हाथ को मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें इसको मोड़ने में, हाथ को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रही है बाइसेप्स मसल। तो यहाँ बाइसेप्स मसल जो है एगोनिस्ट हो जाएगा, और इसके विपरीत कार्य कर रही है ट्राइसेप्स मसल्स। तो ट्राइसेप्स मसल्स क्या हो गया, यहाँ पे एंटागोनिस्ट हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति जो है, जब एगोनिस्ट मांसपेशी संकुचन में हो और एंटागोनिस्ट मांसपेशी शिथिलन में हो, विस्तार में हो, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना क्या है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्या है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें है। तो यहां पे राइट हो जाएगा ग, ध्येय निर्धारण तथा लक्ष्य कथन। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट का मुख्य आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग है कि छोटे छोटे उद्देश्य के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना, यहां पर राइट हो जाएगा ग। नेक्स्ट है परीक्षण और मापन से किसमें सहयोग प्राप्त होता है। तो दोस्तों परीक्षण और मापन से सहयोग यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से आपको छाटना है कि परीक्षण और मापन से किसमें सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ख आपका राइट होगा, यानी कि एक दो और तीन यहाँ पे राइट होगा। एक क्या है, स्थिति यानी सिचुएशन का मूल्यांकन होता है परीक्षण और मापन से। एंड अंतरों का मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन करना कि कौन सा बच्चा कितना स्तर पर पहुंचा है, किस बच्चे में क्या कमी है और इसमें कितना अभी सुधार करने में जरूरत है। ठीक है, एंड आपका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन का निकालना, सबका जितना भी चीज हुआ है उन सबका एक निश्चित कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना में आपका परीक्षण मापन सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पे एक दो और तीन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुसंधान यानी रिसर्च, यानी समस्या का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश में निम्नलिखित में से क्या देखना चाहिए। तो इसमें आपका क राइट हो जाएगा, मूल कारण और केवल प्रभाव नहीं देखना चाहिए, मूल कारण देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवरणात्मक अनुसंधान स्तर से संबंधित है। विवरणात्मक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियां हैं। तो विवरणात्मक अनुसंधान स्तर से संबंधित है, विवरणात्मक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियां हैं। तो विवरणात्मक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियां क्या है दोस्तों, ये है सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन और साक्षात्कार। क्या है, सर्वेक्षण करना, फिर व्यक्ति का अध्ययन करना, फिर उसका साक्षात्कार करना। नेक्स्ट है प्रत्येक पृथक स्कोर और केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच परिवर्तनशीलता अंतर की श्रेणी होती है, परिवर्तनशीलता के अनुमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंज और मानक विचलन, रेंज और मानक विचलन। रेंज किसे कहते हैं कि अधिकतम अंक का न्यूनतम अंक से माइनस कर देंगे तो आपका रेंज निकल के आता है। नेक्स्ट है क्रीड़ा सिद्धांत निम्नलिखित है। तो दोस्तों खेल के सिद्धांत है, यहाँ पे विरेचन सिद्धांत आपका हो जाएगा, रेचन विरेचन सिद्धांत को दिया है अरस्तु ने, एंड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो एक और चार आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक खेल में पामेल हार्स के उपकरण में दो पामेल्स के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जिम्नास्टिक खेल में जो पामेल हार्स होता है, दो पामेल्स के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो पामेल्स के बीच की दूरी होती है कम से कम 40 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मांसपेशियों को उनकी स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े।
तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा छोटे से बड़े आपको देखना है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क, यानी कि पहले तीन आएगा यानी कि सोलियस मसल्स, उसके बाद चार यानी रेक्टस फेमोरिस, उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस, उसके बाद पोस्टीरियर डेल्टायर। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस मसल्स एंड सबसे बड़ी मांसपेशी है कुल्हे की मसल्स, जिसे कौन सी मसल्स कहते हैं दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, एंड सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपीडियस होती है, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है मसेटर मसल्स निचले जबड़े की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कि संगठन के सहज कार्यान्वयन में निम्नलिखित घटक होते हैं। तो दोस्तों संगठन के सहज कार्यान्वयन में कौन कौन से घटक होते हैं, यहां पे ग आपका राइट होगा, यानी कि एक दो तीन पांच, यानी कि धन क्या आवश्यक होते हैं, धन, सामग्री, पद्धति और मशीनरी, ये आपके किसी संगठन के सहज कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 500 क्वेश्चंस आपके लिए, जो भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। एंड दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उसे भी आप कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी तरह डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।